जी मैं बताएं जो आज कार्यक्रम है। आज महाराजा हरि सिंह जी जो हमारे जम्मू कश्मीर रियासत की एक जानी मानी हस्ती हैं, उनके जन्म दिवस पे जो है समाज सेवा सोसाइटी की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मजगो मिलत सभी जो हमारे बहन भाई हैं, हिंदू मुस्लिम चाहे सिख ईसाई कोई भी हो, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। क्योंकि 1931 में हमारे जम्मू कश्मीर के पहले जाने माने क्रांतिकारी हैं जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के आगे क्रांतिकारी लाने की और भारत को आज़ाद करने की बात की थी। आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम लोग आज करते हैं, लेकिन उस समय की बात है जब महाराजा हरि सिंह जी ने विडोज की रीमैरिज को इनकरेज किया था। क्योंकि उस वक्त ये स्लोगन था कि जो सती प्रथा है वो चालू रहेगी। जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने जो सती प्रथा को खत्म किया, बाल विवाह को खत्म किया। आज हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहन भाई बिना मजहब मिलत मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा सकते हैं। उस समय ये था कि दलितों को और जो छोटे कास्ट के जिन्हें लोग आज मानते हैं या फिर उस समय मानते थे, मंदिर मस्जिद में उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। ये जितनी भी क्रांतिकारी योजनाएं चली हैं या जितनी भी क्रांतिकारी चीजें आई हैं, ये महाराजा हरि सिंह की देन है जो आज हम सब लोग जो है उनके बताए हुए रास्ते पर उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। एक बार फिर मैं जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत को और अपने पूंछ वासियों को महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। महाराजा हरि सिंह जी के 128वें जन्मदिन पर मैं पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है मुबारकबाद देता हूँ कि आज के दिन हमारे महाराजा जो है वो दुनिया पर आए थे। और हमने प्रोग्राम रखा है समाज सेवा सोसाइटी पूंछ की तरफ से, और पूंछ के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और आज हम उनका 128वां जन्मदिन मना रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी का जन्म 30 सितंबर 1895 को जम्मू के अमर पैलेस में हुआ था। राजा जी का राज तिलक 20 साल की आयु में 23 सितंबर 1925 को किया गया। राजा जी की मृत्यु 26 अप्रैल 1961 में मुंबई में हुई है। आज जम्मू कश्मीर और पूरे देशवासियों को आज मुबारकबाद देता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर के बीच आज बड़े हर्षोल्लास से महाराजा हरि सिंह जी का जो है जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। पूंछ के बायोटोन एरिए से मैं पूरी पूंछ की आवाम को, जम्मू कश्मीर और पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि हमें महाराजा राजाओं की जो है परंपरा को निभाना है, उनकी यादों को हमें कभी नहीं भूलना है। नहीं, अगर हम इन यादों को भूलेंगे, उनके उन सुनहरे पलों को अगर भूलेंगे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए जो है इतना बड़ा कार्य किया, और अगर हम भूल गए तो हमारी आने वाली जो नई पीढ़ी है वो हमसे पूछेगी कि हमारे राजा महाराजों ने क्या किया। इसलिए हमें वक्तन वक्तन जो है हमारी जो नई आने वाली जनरेशन है उन्हें बताना है कि हमारे जम्मू कश्मीर के बीच किन किन महाराजाओं ने जो है यहाँ पर राज किया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप देखिए कि हमारे जो नई जनरेशन है वो इसके इतनी इच्छुक है और उनमें इतना उत्साह है कि हम महाराजा राजाओं की जो है कहानियाँ वो पढ़ें। और वैसे बताया जाए कि महाराजा हरि सिंह के जो पिताजी थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार से यहाँ पर जम्मू कश्मीर को 75 लाख रुपए में यहाँ उनसे खरीदा था। आज जम्मू कश्मीर के बीच अगर हम चैन की नींद चैन की सांस से ले रहे हैं तो ये सिर्फ ये जता है महाराजा हरि सिंह को। आप देखिए इतना खुशी का दिन है कि कई वर्षों से जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जदोजहद की। जब से भाजपा की सरकार जो है दिल्ली में आई है तो भाजपा ने 2022 के बीच जो है जम्मू कश्मीर के बीच महाराजा के जन्मोत्सव पर जो है छुट्टी घोषित की है। आज देखिए बड़ी खुशी का दिन है, पूरे जम्मू कश्मीर की बीच एक लहर है कि जो हमें छुट्टी मिली है। मैं पूंछ की ओर से केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने महाराजा की इस परंपरा को, महाराजा को याद करने के लिए जो है आज छुट्टी का दिन जो दिया है जम्मू कश्मीर को पैगाम तौर पर। मैं एक बार फिर सच्चे पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में वो खासतौर जम्मू कश्मीर की भी शांति रहे। हमारे बीच आए हुए यहाँ पर स्टेट प्रेसिडेंट श्री लोकेश शर्मा जी और खिदमत फाउंडेशन के हमारे नीतू बहन जी, राजू जी, जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद।